मैंने अपनी शहजादी से कभी कोई काम नहीं करवाया। आज आजर इसको ऑर्डर देकर चला गया। मेरी जिंदगी में यह हाल है तो फिर मेरे बाद पता नहीं क्या होगा। शहजीन बेटा लाओ ये मुझे दो। ये मुझे दो, मैं खाना बनाऊंगा, तुम जाओ। मैं कर लूंगी, मुझे आती है आप कुकिंग, आप परेशान क्यों हैं? क्या है, तुम्हें सारे जहान की कुकिंग आती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नाजी सारा घर का काम तुम्हारे पे लाद के चली जाए। बाबा ऐसा नहीं है, मैं कौन सा रोज रोज कुकिंग करती हूँ। देखो 2.5 घंटे हो गए हैं इसे घर से गए हुए, और मुझे अच्छी तरह पता है ये दोनों माँ बेटियां कई सैर सपाटे कर रही होंगी डॉक्टर का बहाना बनाकर। बाबा सारा सारा दिन वो घर का काम करती है, अगर कभी कभार घूमने फिरने निकल गई तो उसमें क्या गलत है? शहजीन बेटी तुम बहुत मासूम हो, तुम नहीं समझोगी, नाजी अब वो नाजी नहीं रही है। अरे मुझे जवाब दे देती है, मैंने बताया था ना तुम्हें नाश्ते वाला किस्सा। बेटा वो बहुत चलाक हो गई है, आजर के सामने ऐसी मासूम बन जाती है और सारा मलबा मुझ पर पड़ जाता है। बाबा हो सकता है आपको कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि नाजी भाभी हमेशा से आपकी इतनी इज्जत करती हैं। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं मालूम मैं यहां लोगों के बदलते हुए तेवर अच्छी तरह जानता हूं। अब तो आजर भी मुझसे बदतमीजी करने लगा है, अपनी बीवी के सामने मुझे जवाब देता है। बाबा तो आप बैठकर प्यार से समझाएं उन्हें, भाईजान समझदार हैं, आपकी बात समझ जाएंगे। और आप तो जानते हो बचपन से कितने जज्बाती हैं, जज्बात में आके कुछ आपको कह दिया होगा। आप परेशान नहीं हो, आपको मेरी हेल्प करनी है जाएं, जाके तंदूर से रोटी लेके आएं, खाना मैं तैयार करती हूँ। हाँ जाएं 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 बाबा जाएं। बेटा ध्यान से, देखा अपने आप को जला मत लेना। ठीक है कुछ नहीं होता।